गाइस, तो आज मैं गई थी मार्केट और मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, क्योंकि जब भी मैं मुंबई आती हूँ तो मैं बहुत सारी शॉपिंग करते हुए जाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ की चीज़ें भी अच्छी लगती हैं और रिजनेबल प्राइस भी लगता है। तो मेरा घर भी जाने का वक्त नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए मैंने फटाफट से अपनी शॉपिंग को स्टार्ट कर लिया। चलिए दिखा देते कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ वो है टी शर्ट है, जो है ब्लैक कलर का, बहुत ही डार्क ब्लैक कलर है इसमें, और इसमें डोरेमोन सीक्वेंस से बना हुआ है। और बच्चों को तो आपको पता ही है कि डोरेमोन कितना ज़्यादा पसंद है, तो ये एकदम सॉफ्ट मटेरियल है और साथ में जो उसका सीक्वेंस का वर्क है वो बहुत अच्छा है। और ये डबल साइड है, दोनों साइड से उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। सेकंड जो है ये पीच कलर का एक टॉप है ऊपर का, इसका भी जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये होजरी कपड़े का है, बहुत ही मस्त है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो ये भी बहुत ही कंफर्टेबल होगा पहनने के लिए। तो ये भी मेरी एजल के लिए, ये मोस्टली मैंने सारी शॉपिंग जो है ना वो एजल के लिए ही करी अभी तो। और ये एक है पैंट जो कि बहुत ही स्ट्रेचेबल है, और इसमें भी जो आप देखेंगे कि सीक्वेंस का ही वर्क बना हुआ है, सीक्वेंस में इसमें यूनिकॉर्न बना हुआ है, और ये भी स्ट्रेचेबल है तो बहुत ही कंफर्टेबल होगा पहनने के लिए। पैंट मैंने लिया है अपनी ननंद की बेटी के लिए, जो कि इसको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ही। ये यूनिकॉर्न का वर्क बना हुआ है, वह सीक्वेंस से बना हुआ है और फर से बना हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ये जल बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मुझे कुछ करने नहीं दे रही, जब भी मैं आती हूँ तो ये मुझे परेशान करती है। और फिर जो ये सॉफ्ट मटेरियल वाला है टी शर्ट, ये भी मेरी एजल के लिए ही, ये भी बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो आप ये छोटू सा टॉप देख रहे हैं वो है मेरी भतीजी के लिए, जो अभी 20 दिन की है, तो इसका भी जो मटेरियल है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है बच्चों के लिए। तो टॉप के साथ उसके नीचे ये पैंट आया है छोटू सा, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये मेरी छोटी सी भतीजी के लिए है, और इसके बाद ये जो है ये हबीबा के लिए है, जो कि हाफ शोल्डर वाला है और इस पर सीमर वर्क है, और साथ में जो इस पर मोती भी अटैच की हुई है, तो ये मेरी हबीबा को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो उसकी पसंद से मैंने ये टॉप ले लिया है। ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है दिखने में, इसका जो कलर है वो बहुत ही यूनिक कलर है, तो ये हबीबा की पसंद का लिया हुआ है, हबीबा भी इसको देख के खुश है। और फिर अब ये इसके बाद एजल के लिए है पैंट, ये डेनिम का पैंट है, बहुत ही मस्त लग रहा है, बेल बॉटम वाला पैंट है, और साथ में इसमें भी यूनिकॉर्न सा सीक्वेंस बना हुआ है और साथ में फर के साथ है, तो ये भी बहुत अच्छा देखने में यूनिक सा लग रहा था, तो ये भी मैंने एजल के लिए ले लिया है। इसके बाद जो ये पैंट है वो भी जीन्स का डेनिम का ही है, और ये बहुत ही बैगी सा है, बहुत ही ढीला डाला है, तो ये भी अगेन मैंने हबीबा के लिए लिया है डेली यूज़ के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट भी है और बहुत ही बैगी सा है, तो डेली के लिए बहुत अच्छा लगेगा। हबीबा को ऐसे ही ढीले ढाले ड्रेस ज़्यादा पसंद आते हैं, तो फिर इसलिए मैंने उसके लिए डेली के लिए ले लिया है, और साथ में इसमें पॉकेट वगैरह भी है तो फिर और भी अच्छा है, तो बस ये हबीबा के लिए है। बॉटम पर आप देखोगे तो यहाँ पर गेटिस भी लगी हुई है, तो फिर बस ये मतलब है रिजनेबल प्राइस भी था और अच्छा भी था, तो फिर ये हबीबा के लिए हमने फिक्स कर लिया। अभी मैं मुंबई आती हूँ फ्रेंड्स, तो अपने स्टॉक पूरे साल का यहीं से लेके चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ के पर अच्छे भी लगते हैं और फिर रिजनेबल भी लगता है, वो ज़्यादातर शॉपिंग यहीं से करती हूँ। तो अगेन मैंने ये जो पैंट है वो सेम जो पहले लिया हुआ था वैसा ही है, तो ये मैंने अपनी देवरानी की बेटी के लिए लिया हुआ है, क्योंकि दोनों का कलर और दोनों का डिज़ाइन सेम है, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो कि मुझे ये कलर चाहिए या मुझे ये कलर चाहिए, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो दोनों को मैंने सेम ऐसा ही ले लिया है। मैंने थोड़ा शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फिर मेरे पास दिन नहीं बचते हैं, अब मुझे गोवा भी जाना है और फिर उसके बाद मुझे अपने ससुराल भी जाना है, तो फिर दिन नहीं बचते, तो मैंने थोड़ा शॉपिंग करना स्टार्ट कर लिया है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो मैंने स्कर्ट लिया है वो एजल के लिए लिया है, ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है और बहुत ही अच्छा है, और दिखने में भी बहुत ही फैंसी लग रहा है। और इसमें आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, इसकी 6-7 परत में इसका ड्रेस बनाया हुआ है ये स्कर्ट, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा, तो मैंने इसे अपनी एजल के लिए ले लिया है। अभी तो मैंने सिर्फ ये स्कर्ट लिया, क्योंकि ये सिंगल स्कर्ट ही मिल रहा था, इसका टॉप लेना भी मुझे बाकी है, और फिर इसके बाद मैंने ये शॉर्ट ले लिया है एजल के लिए, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था शॉर्ट, तो फिर मैंने इसको भी एजल के लिए पिक कर लिया है, और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, डार्क कलर है तो बहुत अच्छा लगेगा, और इसमें ऐसे किचन भी लगा हुआ है शोपीस के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये भी मैंने एजल के लिए ले लिया है। और अब इसके साथ में मैंने यहाँ पर ये ट्राउज़र लिया है, वो भी अगेन मैंने एजल के लिए लिया है, और जो ट्राउज़र है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है, ये हम इसको ठंड में भी पहना सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि यूपी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उस हिसाब से इसे हम ठंड में भी पहना सकते हैं और बारिश में भी पहना सकते हैं, तो ये भी बहुत सॉफ्ट मटेरियल था, तो मैंने इसको भी सब ये सब 4-5 पैंट ऐसे थे ट्राउज़र, वो भी मैंने अपने एजल के लिए ले लिया है। मैं आती तो हूँ 2-1.5 महीने के लिए, लेकिन जब मैं आती हूँ फिर दिन ऐसे भागते हैं कि मेरे पास दिन ही नहीं बचते, ऐसा लगता है कि मैं एक हफ्ते के लिए आई हूँ, कुछ भी मेरे पास वक्त नहीं बचता बात करने में, शॉपिंग करने में, यहाँ वहाँ जाने में, तो ऐसा लगता है कि बस मैं एक हफ्ते के लिए आई हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि बस अब दिन मेरे पास बचा नहीं, जल्दी जल्दी शॉपिंग ख़त्म करो। तो ये सब ट्राउज़र जो है वो सब ऐसे सेम ट्राउज़र, मैंने सिर्फ कलर डिफरेंट है 6-7 ले लिए हैं,
और फिर अगेन मैंने एक शॉट और लिया है, डेनिम का शॉट है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये भी मैंने एजल के लिए लिया है। तो बाकी बच्चे कह रहे हैं कि बस सारी शॉपिंग आपकी एजल की होती है। जोहान जो है वो कहेगा सब मम्मी एजल के लिए ले रहे हो, मेरे लिए कुछ नहीं ले रहे हो। मैं कि अभी एक एक लोगों का शॉपिंग करूँगी तो सही से शॉपिंग कर पाऊँगी, जो दिखता है मार्केट में अच्छा तो फिर वो ले लेती हूँ। तो अभी एजल सबसे छोटी है तो उसके हिसाब से सब अच्छा लगता है। अभी मैंने एजल के लिए ही सैंडल लिया है, ये ब्लैक कलर का सैंडल बहुत खूबसूरत लग रहा था, मेरे का पार्टी वेयर के लिए अच्छा होगा, तो फिर मैंने इसको पार्टी के लिए ले लिया है। और यहाँ पर एजल इतना खोजबीन कर रही है मेरे सामान के साथ, लोग क्या कर रहा है तो वो भी काम करने नहीं देती, तो मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि वो फिर वो बीच बीच में बोलने लगती है। और ये शूज़ भी है वो भी एजल के लिए ही मैंने लिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप बताइएगा कि आपको इन सब में से क्या अच्छा लगा, और अगर आपकी सबकी प्राइस जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे बता सकते हैं, सबकी प्राइस मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट भी जरूर से ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।